सनम वांगचुक जी, आपके साथ जितने भी और बाकी लद्दाख के हमारे भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आप सबको ये मैं कश्मीर से बता रहा हूँ कि पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ खड़ा हुआ है। आपके सपोर्ट में आपने जो कदम उठाया है और जिस तरीके से आप एक इकोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर लेके दिल्ली आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, और जिस बेदर्दी से और बेतहाशा फोर्स को इस्तेमाल करके आप 100-125 आदमियों के ऊपर, 1000 से भी ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप उन्होंने आपको रोका है, डिटेंशन किया है, इससे ज़्यादा हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की दजियाँ और क्या उठ सकती हैं। एनीवे, वी आर ऑल विद यू, वी स्टैंड यूनाइटेड विद यू बिहाइंड योर वॉइस सनम वांगचुक साहब एंड योर एंटायर टीम। ये टोटल एक कोलैप्स है फंडामेंटल इश्यूज का, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे मुल्क में। मैं तो इतना कहूँ कि इज इट नॉट टाइम, क्या ये वक्त नहीं है ऐसी जब कार्रवाई हो आप प्रोसिक्यूट करें, जो भी इसमें कानूनी विकल्प हो। कानूनदान इतने बैठे हैं दिल्ली में जो इसके टोटली अगेंस्ट हैं, क्या हम ये नहीं सोच सकते कि कानून के दायरे में एक एक्शन लिया जाए अगेंस्ट द दिल्ली पुलिस चीफ, क्योंकि ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन है। अंडर आर्टिकल 19, जो बेसिक फंडामेंटल राइट है आपका, आप किसी को इस तरह से नहीं रोक सकते हैं। वो तो महात्मा गांधी के उधर जा रहे थे अपने उस उनके उनके स्थल पर, पीसफुली जा रहे हैं, कोई पत्थर नहीं है उनके हाथ में, कोई लाठी नहीं है उनके हाथ में, तो आपने उनको रोक लिया, तो क्या हम नहीं कार्रवाई कर सकते अगेंस्ट द दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उसके साथ साथ द होम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अगर मैं गलत ना कहूं आई थिंक इवन द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बी ब्रॉट अंडर दिस लीगल सिचुएशन, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सुप्रीम कोर्ट में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, यू शुड हैव टेकन सुओमोटो नोटिस ऑन दिस मैटर टिल नाउ, यू हैव ऑल्सो केप्ट क्वाइट, इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट। इस तरह से कार्रवाई हमारे मुल्क में हो रही है और कोई किसी को फिक्र नहीं है, कोई जू नहीं रेंग रही किसी के कान पे। मोदी जी की सरकार, दिस इज ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी, ब्लेटेंट डिसग्रेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। हाउएवर, हम भी कोशिश करेंगे बाज़ाब्ता तौर इनके साथ शाना बशाना खड़े होने में, अगर इजाज़त दी गई तो, सनम वांगचुक और उनकी टीम के साथ। मैं फिर दोबारा रिएटरेट करता हूँ, यही तो चीज़ें हैं जनाब, लद्दाख को भी समझ लेना चाहिए, जम्मू को भी समझ लेना चाहिए। आज हमारा लद्दाखी भाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन चाह रहा है, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन चाह रहा है, यही तो आपके पास था 35A के तहत, तो यही था आपके पास, आपका लैंड गारंटीड था, आपकी जॉब गारंटीड थी, और 370 तो कौन अपने इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इश्यूज को भी गारंटी करता है। मैं अपने जम्मू के साथियों से भी यही गुजारिश करूंगा, सोच लीजिए ठीक से, यही तो मैटर था। आपने लद्दाख में आपने तो शादियां ने मनाए थे जब एबर्गेशन हुआ था, और नतीजा देखिए आज आपके पास इतना बड़ा एक इतनी बड़ी एक ताकत थी लद्दाख के पास, करगिल के पास, जो आपका अपना हिल डेवलपमेंट काउंसिल था, दैट वॉज इन इट सेल्फ अ गवर्नमेंट। उनकी इजाजत के बगैर लद्दाख में पता नहीं हिल सकता था। सो एनीवे, आज हम सनम वांगचुक साहब के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ, पूरे लद्दाख के साथ, कश्मीर का बाशिंदा, जम्मू का बाशिंदा आपके साथ खड़ा है, और आपकी इस मुहिम में आपका पुरजोर सपोर्ट करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि अपने जो अरबाब इकतदार हैं वो इस पीसफुल जो ये कन्फेडरेशन हो रहा है दिल्ली में महात्मा गांधी के स्थल पर, वहाँ पर इनको जाने दिया जाए।